जैसा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। ठीक है, मैं जैसा भी दो तीन सवाल बेसिक सवाल करूंगा जो हमने इतनी मेहनत पिछले 5-6 महीने में की और काफी पब्लिक ने सब जगह से, मतलब गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से, यूपी से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, सब जगह से, स्टेट से बहुत मेहनत की गई है इसको लेके कि हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर जो नई चीज आ रही है फेस्टिवल के सीजन में हमारे पर लागू हो रही है, इसको रुकवा सकें या इसको इसके अंदर कुछ अपने हक में करा सकें। जैसा भी बताइए, क्या हमने क्या पाया है इसमें? इतना जो ये सब आया था, मैन्युफैक्चरिंग डेट डालो, बेस्ट बिफोर डेट डालो, FSSAI की तरफ से, तो हमने इसमें हमारा गेन क्या हुआ इतनी मेहनत करने के बाद? जो हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, पहले आप वो बताइए। जिस तरह से उन्होंने फॉर्मेट बनाया था FSSAI ने, उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे शुरू से कि मैन्युफैक्चरिंग इसमें रहनी ज़रूरी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो हमें इसमें चाहिए ही चाहिए और उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी भी चाहिए। तो अब इसमें 6 महीने का जो समय लगा, मीटिंगें हुई, बैठे हैं, उनसे काफ़ी डिस्कशन हुआ, हमने इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स बताई कि मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रॉब्लम आएगी, हम स्टॉक भी है, पीछे का स्टॉक भी है, आगे का स्टॉक भी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक भी है। तो उन्होंने भी हमारी बातें बहुत ध्यान से समझी हैं, सुनी हैं और एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की, उसके लिए समय भी लगा। तो अब जो लास्ट मीटिंग जो हमारी 13 अगस्त को थी शायद, तो तब हमारा ये निर्णय उनके साथ हुआ कि ठीक है, हम इसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को विड्रॉ कर लेते हैं, आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को, इसको सीईओ साहब ने कहा कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर हम अलग कर देते हैं, आप बेस्ट बिफोर पे रहिए। उसके बाद फिर हमें बेस्ट बिफोर में भी हमने कोशिश की कि इसमें डेट का इश्यू ना रहे, उसके लिए अभी भी प्रयास चल रहे हैं हमारे, बहुत सभी के चल रहे हैं। मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो दिल्ली में हम अपने लेवल पे भी बात कर रहे हैं, तो अभी तक हम उसकी इंतजार ही कर रहे थे, इसलिए डिले भी हुआ। आज जी हम सोच रहे थे शायद हमें आज भी निर्णय मिल जाएगा इस बात का कि इसमें से डेट वाला मैटर भी इसमें हटा लिया जाए, तो अभी उनका कोई संतुष्ट जवाब आया नहीं है इसे, तो ओके देखते हैं इसको आगे बातचीत जारी रहेगी। तो ये अचीव किया कि हमने इसमें से मैन्युफैक्चरिंग का जो फैक्टर था बहुत बड़ा, वो मैं समझता हूँ वो बेस्ट बिफोर से ज्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड था। था। बिल्कुल बिल्कुल, जैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब इनिशियली ये नोटिस आए थे और जब ये ऑर्डर आया था फरवरी में, तो उनकी तरफ से ऑर्डर था बेस्ट बिफोर डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों पे डालने का। उस टाइम पे भी लोगों ने ये कहा था, हम सबका भी ये मत था कि बेस्ट बिफोर डेट तो फिर भी एक तरीके से हो सकता है कि कर सके, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेट तो डालना इम्पॉसिबल बात है। जबकि हमने इसका प्रपोजल FSSAI को नहीं दिया था, हमने यही कहा था कि भाई इस चीज को ना करें तो बेटर है, क्योंकि ये जो कोविड की वजह से जो लॉसेस हुए हैं और जो इंडस्ट्री के जो लॉसेस हुए हैं और जिस तरीके से बिना किसी ट्रेनिंग के इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो हमने उनसे एक्सटेंशन मांगा था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेट को निकालना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसके जिसके हकदार आप सब लोग हैं, हमारे सारे मेंबर्स हैं, हमारे सारे स्टेट के एसोसिएशन हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और स्पेशली बिल्कुल बिग थैंक्स टू हमारे प्रेसिडेंट साहब वीरेंद्र कुमार जैन जी, या फिर श्याम सुंदर जी और बैजू भाई मेहता, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके इस काम को पूरी तरह से करना चाहते थे। लेकिन बहुत बड़ा पार्ट, यानी कि जो 75% जो इशू था, वो तो एक तरीके से रेक्टिफाई हो गया। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए, मैं इसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, इस वर्ड्स को याद रखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें नहीं डालनी है। अगर किसी मिठाई वाले के यहाँ आपको दिखता भी है मैन्युफैक्चरिंग डेट, अगर वो डाल रहे हैं, तो आप कृपया उनको बोलिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें मेंशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ बेस्ट बिफोर डेट रखनी है। अब वो कैसे रखनी है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हमने उसका एग्जाम्पल बनाया है, कई जगह से मुझे बहुत लोगों ने भेजा है, मैं वो भी शेयर करूंगा जो क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सही तरीका है। तो एक बात आप लोग नोट करिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें मेंशन नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें बेस्ट बिफोर डेट लिखनी है,
और इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कार्यरत हैं कि हम इससे भी हमें निजात मिल जाए या एक्सटेंशन मिल जाए। अभी भी हमारी हाई लेवल मीटिंग एक शाम को होना बाकी है जिसका हमें वेट कर रहे हैं, और अभी भी एक एक मीटिंग ऑलरेडी जारी है। आज रीता त्रिवेदिया जी जो चेयरमैन है FSSAI की, उनकी बैजू भाई मेहता से बात हुई है, काफी लंबा डिस्कशन हुआ, उसके बाद बैजू भाई को फिर फोन आया FSSAI से, और अभी इस लाइव में बैजू भाई मेहता को भी होना था लेकिन इस टाइम वो FSSAI से बात कर रहे हैं और कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसको उन्होंने भेजने की वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो अभी इस लाइव में नहीं आ पाए हैं। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी आप कर लें, कोई भी मिठाई की शॉप कल बिना तैयारी के ना खुले, खुलेगी और कल को कोई इंस्पेक्टर आएगा तो हमारी पूरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम होगा। क्या बोलते हैं जैन साहब, एक तरीके से एक हवा बनाई जाएगी कि देखिए पहले दिन जो है 500 दुकानदार मिठाई के विक्रेता जो है वो पकड़े गए गलत काम करते हुए, इस तरह की न्यूज बनाई जाएगी। क्या बोलते हैं जैन साहब आप इस पे? सबसे पहला टारगेट तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस बिग सिटीज में जो प्राइम शॉप्स हैं, सबसे पहला टारगेट तो उन्हीं को किया जाएगा, जो हमारी बातचीत भी हुई है। बी और सी कैटेगरी में तो ये बाद में जाएंगे, पहले तो ए को ही अभी स्टार्ट करेंगे। बी और सी का इनका पता नहीं है, हमसे तो CEO साहब कह रहे थे हम वहां तक नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ यहीं तक रहना है, बाद में देखेंगे। तो अभी ये है कि मैक्सिमम इनकी कोशिश होगी कि मैक्सिमम रजिस्टर्ड किए जाएं केस, लेकिन अगर हम अवेयर होंगे, अपनी FSNM की टीम जहां तक हमारी पहुंच है, जहां तक हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जहां तक हमारे मेंबर्स हैं, हम इसको बात को फैला दें और ये सभी मेंबर्स का अपनी ड्यूटी समझें कि सभी इसको और आगे स्प्रेड कर दें, तो इसमें चलान की गुंजाइश पूरी है। हमें जो पता लगा है कि टीम वगैरह सब तैयार है इनकी, इन्हें 1 तारीख से सर्वे शुरू कर देंगे। जी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरा जैन साहब, बहुत लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत लोगों के फोन आए हैं, मेरे ख्याल से सारी स्टेट्स में। अभी मेरे को कमलेश भाई का भी फोन आया, बैजू भाई का भी फोन आया, प्रदीप जैन जी के भी फोन आ रहे हैं, NP सिंह साहब के भी फोन आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से सतीश जी के भी आ रहे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या हमें अपनी मिठाई की शॉप की सारी प्रोडक्ट्स पे डालना है या सिर्फ मिठाई पे डालना है, ये चीज बहुत क्लियर हमें करनी पड़ेगी जैन साहब, कि क्या ये जो ऑर्डर आया है, ये जो आदेश है, क्या ये मिठाई की दुकानों के लिए है या ये मिठाई की प्रोडक्ट्स के लिए है जो दुकानों पे बिकती है? अभी तक जो मतलब इसका जो भी हमें राइटिंग में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें सिर्फ मिठाई का, दूध की मिठाइयाँ, जो जिस भी आउटलेट पे जैसी भी मिठाइयाँ हैं, लूज मिठाइयाँ, उन्हीं के लिए है ऑर्डर, नमकीन और स्नैक्स के लिए नहीं है। ये हमारी बातचीत हुई है और शायद ऑर्डर में भी यही है कि मिठाई पे ही लागू होता है ये, नॉट फॉर नमकीन, नॉट फॉर स्नैक्स एंड ये रेस्टोरेंट आइटम वगैरह जो भी हम सेल करते हैं उसके लिए नहीं है। ओके, लूज मिठाई के लिए है ये। ओके, तो मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर, मैं सारे मेंबर्स को ये बोलना चाह रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि इसको ध्यान में रखें कि ये मिठाई प्रोडक्ट्स के लिए है, ये आपकी और जो वहां पे कैटेगरी की प्रोडक्ट्स रखी है जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स रखी है या फिर समोसे या ढोकला या कोई चाट आइटम रखे हैं, उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए जब आएगा, ऐसा उम्मीद है कि जब मिठाई पे आया है तो और चीजों पे भी आएगा, लेकिन अभी ये उसके लिए नहीं है। तो आप सिर्फ मिठाई पे ये लिखें, मिठाई की डेट डालें, वही अच्छा होगा और वही पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। हम सब एक ही तरह का काम करें, ऐसा ना हो कि कोई डाल रहा है कोई नहीं डाल रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ओनली फोकस ऑन स्वीट्स, जो स्वीट प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए और उस पर ही आप सिर्फ बेस्ट बिफोर डेट डालें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार लोग कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो नई नई चीजें करने लगते हैं जिससे कि नुकसान होता है। नंबर एक, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट अब सिर्फ मैंडेटरी है, इट इज नॉट, इट इज वॉलंटरी, मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट आप मत डालिए, मैंडेटरी सिर्फ बेस्ट बिफोर डेट है, तो आप लोग बेस्ट बिफोर डेट डालें। एक सैंपल मैंने जैन साहब बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से डालना है। देखिए ये मुझे उम्मीद है जैन साहब आपको दिख रहा है ये फोटो,
ठीक है। तो ये फोटो आप लोग देखें, इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले प्रोडक्ट का नाम लिखा है, प्रोडक्ट के नाम के बाद इन्होंने लिखा है उसका रेट पर केजी, उसके बाद बेस्ट बिफोर 4/10/2020, यानी कि ये प्रोडक्ट इनका मान लीजिए अगर आज काउंटर पे लगा हुआ है तो ये आज के हिसाब से ये 5 दिन तक का ये प्रोडक्ट है जो इनका 5 दिन के लिए मान्य है। अब ये चार तारीख तक ही लगा रहेगा वहां पे, उससे पहले पहले पूरी उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट वहां पे खत्म हो जाएगा और एक नया ट्रे लग जाएगा आके, और उसके ऊपर 6 तारीख 7 तारीख या जो भी उसकी जो एक्चुअल डेट होगी जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपकी मिठाई बेस्ट रहेगी उस पे आप लगा देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मिस ना करें, क्योंकि अगर हम इस पे मिस कर गए तो हमारे न सिर्फ हमारा नुकसान होगा बट हमारे कई भाइयों का नुकसान हो जाएगा, कई ऐसे लोगों का नुकसान होगा जो इसको फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग कुछ नया कर दें तो शायद फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाए, फिर वो उसकी कॉपी करने की कोशिश करें और शायद वो कई गलतियां कर बैठे। तो सब लोग मेरी रिक्वेस्ट ये है सबसे, आप चाहे इसको प्रिंटेड में लीजिए चाहे हाथ से लिखें, फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है, आप हाथ से नहीं लिख सकते, आप हाथ से भी मेंशन कर सकते हैं और अपना लोगो लगाइए, या आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली करिए या आप उसको डिजिटली करिए, लेकिन आपको ये पार्ट ही मेंशन करना है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखना है, बेस्ट बिफोर 4/10/2020 जैसे इन्होंने लिखा है 5 दिन की मिठाई के लिए। जी जन साहब कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि लिख कैसे भी सकते हैं, जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर की निकली हुई स्लिप हो या डिजिटली हो, आप हाथ से भी लिख सकते हैं। आपने कह दी ये बात, ये सही है, और इसको ऐसे ही फॉलो करें। और जो मिठाई की जो मियाद है, जो उसकी बेस्ट बिफोर की डेट, वो अपने अपने अनुसार है, अपनी दुकान अपनी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपना आपको बदलनी है डेली या जैसे भी। जी जी, तो आप लोग समझ रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ही वैलिड पॉइंट जैन साहब ने बताया है कि आप लोग, हम तरीका सेट नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्रिंट आउट या उसका फॉर्मेट या फॉन्ट सेट नहीं कर रहे हैं, फॉन्ट कुछ भी हो सकता है, फॉन्ट साइज पढ़ने लायक होना चाहिए जैसे कि आप अपने रेट को लगाते हैं, लेकिन आप उसको हाथ से भी लिख सकते हैं, आप उसको डिजिटली भी लिख सकते हैं, आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी लिख सकते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे सवाल मुझे आ रहे हैं, मैं सारे सवालों को लूंगा, हमारे पास अभी टाइम है तो हम अभी सारे क्वेश्चंस को लेंगे, लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, 3 बातें हमने अभी तक की हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं जो लाइव देख रहे हैं इस चीज को, ये 1, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखनी है, वो सिर्फ वॉलंटरीली है, वो मैंडेटरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारे लिए डालना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को एक बात बताता हूं, आप सब फूड प्रोसेसर हैं, आपको काफी चीजें मालूम है अंदर की, दूध की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी है आपने थैलियों पर? नहीं होती, उस पर बेस्ट बिफोर डेट लिखी होती है। ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी है? नहीं होती, उस पर भी बेस्ट बिफोर डेट लिखी होती है लेबलिंग लॉ के हिसाब से, जो कि पैक्ड प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट लूज है, हमारा चैलेंज भी यही था कि लूज आइटम्स पे डेट डालना कहाँ का इंसाफ है, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दूध हमारे पास आता है, हमको ऐसा लगता है कि वो गाय से दुआ और कल दुआ होगा और आज थैली में भर के आ गया, नहीं, वो 1 साल पहले किसी गाय से दुआ गया था, उसका पाउडर बना के उसको रखा गया, जब रेट के हिसाब से कुछ आया तब वो उस डेयरी ने उस पाउडर को खरीदा सही टाइम पे, फिर अपने यहाँ स्टोर किया 4-6 महीने, फिर उसका दूध का पे पानी मिला के और आपको दूध बना के दिया दूध के पाउडर के साथ। ये प्रोसेस 15 दिन में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, साल भर में भी होता है, मुझे मालूम है कि साल दो दो साल लोग मिल्क पाउडर को स्टोर करते हैं, शायद उससे भी ज्यादा करते होंगे जी। तो क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2 साल पहले की डलेगी? क्योंकि वो तो प्रोसेस दो साल पहले या 1 साल पहले या 4 महीने पहले या 1 महीना पहले या 45 दिन पहले प्रोसेस हुआ था ना वो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी डेट मैन्युफैक्चरिंग डाली जाए। ये एक्चुअली नियम ही हमारे पर गलत तरीके से लागू किया जा रहा था, जिसके लिए फेडरेशन ने बहुत मेहनत की, हमारे जितने एसोसिएशन है उन्होंने बहुत मेहनत की, हमारे मेंबर्स ने, हमारे मेंबर्स के जानने वाले जितने भी MPs जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है, सबने बहुत मेहनत की और इसको निकलवाया। ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन वो बेस्ट बिफोर वाली टेंशन में हम लोग सेलिब्रेशंस को भूल गए। कोई बात नहीं, हम लोग जब अगले कन्वेंशन में जयपुर में मिलेंगे तो इसको भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये चीज आप याद रखिए, कभी कोई अगर कहे तो ये बात हमेशा याद रखिए कि इस तरह की चीजों में मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना इम्पॉसिबल है, सब्जियों पे, अंडों पे,
मांस मच्छी पे या और तरह की प्रोडक्ट पे कहां बेस्ट बिफोर डेट डाली जाती है और कहां मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली जाती है? किसी ने बताया कि ये अंडा किस दिन मुर्गी ने दिया था? बिल्कुल तो ये नहीं होता है। उसका ये बताया था कि ये अंडे जो आज आप ले रहे हैं ये 4 दिन तक खाने योग्य है, ऐसा हो सकता है। आप ये अज्यूम करते हैं कि जब मेरा अंडा बेचने वाला मुझे अंडा दे रहा है तो इसका मतलब वो खाने लायक दे रहा होगा। ऐसे ही आप सब्जी जब लेते हैं, फल जब लेते हैं, और भी चीजें लेते हैं तो आप देख के लेते हैं। ऐसे ही मिठाई भी हमारा कंज्यूमर सालों से ले रहा है, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल से वो एक ही दुकान की मिठाई खरीद रहा है, एक ही दुकान का वो ढोकला खा रहा है, एक ही दुकान की वो चाट खा रहा है, क्योंकि वो एक कनेक्ट है, वो एक रिलेशन है हमारा हमारे मेंबर्स के साथ या हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके साथ। और ये मिठाई वालों को सलाम है, ये जो छोटे मोटे इधर उधर गोरा धंधा करने वाले कभी कभी आ जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो टिक नहीं पाते हैं। ये 8-8, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 हदिया के 150 दुकानें भी है हमारे मेंबर्स की एक मिठाई के ब्रांड से। वो 150 दुकानें ऐसे नहीं खुली उनकी कि उन्होंने जो है कुछ भी खिला दिया है, उन्होंने क्वालिटी को मेंटेन किया है, उन्होंने उन्होंने रिलेशन को मेंटेन किया है, उन्होंने फ्रेशनेस को मेंटेन किया है, उन्होंने हाइजीन को, सेफ्टी को, सब चीजों को मेंटेन किया है, उन्होंने अच्छे एम्प्लॉयज रखे हैं, उनको अच्छी सैलरियां दी हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, तब जाके एक अच्छी मिठाई बनती है या अच्छी खाने की चीज बनती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल अभी आया है कि जो जयपुर में हाईकोर्ट में केस हुआ था उसका क्या हुआ? जयपुर के हाईकोर्ट का केस का अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है। ये केस लास्ट वीक के मंडे को पुटअप होना था, लेकिन क्योंकि सिर्फ कोर्ट 4 घंटे खुल रहे हैं वो केस पैनल पे नहीं आ पा रहा है, और ऐसी उम्मीद भी थी हमें कि होना मुश्किल है क्योंकि टाइम बहुत कम था उसके लिए, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं आया। आज भी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है उसका कि अभी तक क्या हुआ, शायद वो आज भी पुटअप नहीं हुआ है। हमसे प्रॉमिस किया था जो लॉयर थे हमारे मेंबर के माननीय सदस्य जो हमारे अजमेर से हैं, बीनू भाई राठौर साहब, उन्होंने जिन्होंने किया है तो उन्होंने उनसे उन्होंने कहा था कि मुझसे प्रॉमिस किया है कि 30 को जरूर पुटअप होगा, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई समाचार नहीं है कि वहाँ कोई किसी तरह का स्टे या कोई निर्णय दिया गया हो, तो उस केस का अभी तक कुछ भी हल नहीं है। और आज हम तो लोग यहाँ पे किसी केस या कोर्ट की बात ना करें तो बेटर है, क्योंकि हमें डायरेक्ट हमारा FSI से बात चल रही है और वो हम उस चैनल को खोल के रखना चाहते हैं। जैन साहब लगातार बात कर रहे हैं, डेली कम से कम 5-5, 10-10 बार उनकी वहाँ के अलग अलग डायरेक्टर से और CEO ऑफिस से और सब जगह से बात चलती रहती है, होती रहती है। तो हमारा एक डायरेक्ट जब चैनल खुला हुआ है तो शायद हमें माननीय कोर्ट को इसके अंदर नहीं लाना चाहिए, और अगर कोई लाता भी है तो वो अपनी स्वेच्छा से करता है। फेडरेशन का अभी यही मानना है कि हम डायरेक्ट चैनल को खोल के रखें। जैन साहब इसके ऊपर अगर आप कुछ टिप्पणी देना चाहें तो मैं अगले क्वेश्चन को ले लूंगा। फिर यही बेहतर है अगर स्टेट लेवल पे अपने अपने लेवल पे स्टेट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो आगे सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ जाए तो उसमें कोई जजमेंट ऐसा आ जाए तो हमें सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। FSNM अगर जाता है तो जाना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, मैं ही नहीं कह सकता, लेकिन अगर अभी इसी निर्णय को फॉलो करें तो अच्छा रहता है, और अगर ताकि आगे हमारा रास्ता सुप्रीम कोर्ट का खुला रहे। ये बात मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा, मैंने कंसल्ट किया है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल सीनियर से जी ठीक है। कई लोग फिर से पूछ रहे हैं डेट को देखने के लिए, तो मैं फिर से दिखा रहा हूं ये जो हमने एग्जांपल हमारे माननीय सदस्य चितले बंधु मिठाई वाले पुणे से मैंने मंगाया है, और ये तरीका है जिसको हम सजेस्ट कर रहे हैं। एक सदस्य लिख रहे हैं यूट्यूब पे के ट्रे पे लिखना मुश्किल होगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने भी यही उनसे बहुत गुहार की, बहुत रिक्वेस्ट की है, लेकिन इस चीज को नहीं माना गया। अब आप लोग देख रहे हैं फार्मर्स इतने दिन से सड़कों पे हैं और आगे लग रही हैं और लाठियां खा रहे हैं और भूखे सड़कों पे भटक रहे हैं, उनके नहीं सुनी गई, तो हम चंद हजार मिठाई वालों की क्या शायद गुहार सुनी जाती, लेकिन इसका बड़ा अफसोस है अभी तक। लेकिन ये बात जरूर है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कितने तो मंत्रियों से फोन करवाया है, कितने तो MPs से फोन करवाया है, बड़े बड़े लोगों से फोन करवाया है, कई मीटिंग्स करी हैं, कोई भी चीज छोड़ी नहीं। हाँ ये जरूर है कि अगर कोरोना पीरियड नहीं चल रहा होता, कोविड की सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रेवलिंग के ऊपर अगर नियम ना लगे होते तो शायद हम आज एक बड़ी रैली लेके गए होते FSI के ऑफिस पे, लेकिन वो नहीं हो पाया और उसका मुझे मलाल रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि हमने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की है, जो कुछ हो सकता था इवन इन दिस सोशल डिस्टेंसिंग टाइम में
वीरेन जैन जी और वहां पे जितने हमारे लोकल मेंबर्स हैं, गिरीश जी या विनय नागपाल जी, सब लोग गए। कई बार उन्होंने मीटिंग्स करी वहां जाके और लॉयर्स से मिले और कई चीजें की, जहाँ पे यही निष्कर्ष निकला कि हमें जो है इसके इस एफर्ट को डालते रहना है। और अभी कुछ गया नहीं है, खाली मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि कल जब आपकी दुकानें खुलेंगी तो इस तरह का कुछ मिलता जुलता फॉर्मेट आपकी ट्रेस के ऊपर लगा हुआ नजर आना चाहिए, आपके आपके काउंटर्स पे लगाना चाहिए, वरना कल को बदनाम करने के लिए मीडिया वाले बैठे हैं। एक भाई भी गलती करेंगे तो सबका नाम खराब होगा कि देखो ये लोग तो पहले से ही गलती कर रहे हैं। तो मैं बार बार इसको शेयर करता रहूंगा आप लोगों से, कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह की गलतियां हम लोग कर रहे हैं, मैं वो दिखाता हूँ। और उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि एक आपके क्वेश्चन हम ले लें ताकि जैन साहब टेल मी इफ वी कैन ओनली राइट बेस्ट बिफोर इन लाइक टू डेज। जैन साहब ये बताइए कि जो एक, एक, एक हमने भी प्रपोजल दिया था कि ये इसको टू डेज या फोर डेज या फाइव डेज कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, कि ये बेस्ट बिफोर फोर डेज, बेस्ट बिफोर फाइव डेज ऐसा कर दें। इसका भी एक चर्चा हुई थी, तो ये पॉसिबल है क्या हम डेज लिखें या डेट लिखें? अभी तो हमारा यही फाइनल फैसला अभी डेट का ही हुआ है, वो रिक्वेस्ट हमारी बहुत अच्छे से चल रही है उनके साथ, अगर हमें डेज के ऊपर कन्वर्ट कर दें इसको, हमें डेट में ना बांधे, हम डेज ले सकते हैं। हम अपने हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं और उनकी लाइफ जिसकी जैसी होगी हम उतने दिन की लाइफ लिख देंगे उसकी, उस बात से अभी कन्विंस नहीं है, शायद आगे आगे बात समझेंगे वो हमारी बात। ओके ओके, अभी डेट का तो रहेगा, अभी डेज नहीं लिखेगा कोई भी। अब देखिए मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ, ये एक हमारे माननीय सदस्य ने भेजा है पंजाब से, ये एक फॉर्मेट पंजाब से आया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फॉलो ना करें, ये फॉर्मेट ठीक नहीं है। मैंने उनको भी बताया था माननीय सदस्य को कि ये फॉर्मेट ठीक नहीं है, इसके अंदर आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली है, मैन्युफैक्चरिंग डेट में बहुत कन्फ्यूजन है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है मिठाई की। एक मैन्युफैक्चरिंग वो होती है जब आपका बेस बनता है मिठाई का, एक मैन्युफैक्चरिंग जब होती है जब आपकी मिठाई शेप ले लेती है, एक मैन्युफैक्चरिंग जब होती है जब आप उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स या उसकी गार्निशिंग या उसकी उसको उसको सजावट करते हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग वो भी होती है जब वो फैक्ट्री से जो बनाने वाला है उसमें रिटेल करने वाले को उसके यहाँ भेजी है। तो इसको गैस करना बड़ा मुश्किल है कि ये आपके यहाँ मिठाई कब बनी है, इसलिए इस तरह का फॉर्मेट कतई यूज ना करें, प्लीज यूज ना करें कि जिससे कि कन्फ्यूजन फैले। ये जो बीच की मैन्युफैक्चरिंग वाली लाइन है इसको हटा दें और इसकी जगह पे जो नीचे उन्होंने बेस्ट बिफोर का डाला हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की लाइन को आप प्लीज हटा दीजिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की गलतियां हम लोग कर रहे हैं। एक ये उन्होंने एक चार्ट टाइप का बना लिया है अपने यहाँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई एक ये हमें सैंपल आया है सादी बर्फी 320 800 ग्राम बॉक्स बेस्ट बिफोर फोर डेज। हाँ ये भी एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने बनाया है, लेकिन ये अभी हम यही बात करते जैन साहब ने भी बताया आपको कि बेस्ट बिफोर फोर डेज नहीं लिखना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें अलाउ कर दिया जाए, ये भी अलाउ कर दिया जाए, लेकिन बेस्ट बिफोर फोर डेज नहीं लिखना है, बेस्ट बिफोर 3 अक्टूबर लिखना है, यानी कि आज के हिसाब से 3rd अक्टूबर। ये जो फॉर्मेट आया है ये फॉर्मेट भी गलत है, ये फॉर्मेट सही नहीं है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मेट को भी फॉलो ना करें, बेस्ट बिफोर फोर डेज इसका फोटो ना लें, इसको आप सेव ना करें, ये गलत है, फिलहाल गलत है। 4 दिन हम भी कोशिश कर रहे थे कि ये हो जाए, लेकिन ये भी रॉन्ग फॉर्मेट है। जी जैसा आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं आप जारी रखिए, मैं और बताता हूँ आपको। ओके, एक आध और मेरे पास आया है ग्रुप में ही, तो मैं दिखाता हूँ। एक बात फिरोज भाई, एक बात ये हुई, कुछ लोगों के फोन ऐसे भी आए थे आज कि उन्होंने कहा कि हमने एक काउंटर ही बेस्ट बिफोर किए कि जो प्रोडक्ट है एक ही डेट के जो प्रोडक्ट हैं एक्सपायरी के, उनका एक काउंटर वाइज हमने कर रहे हैं हम। ओके, तो वो भी उसके बारे में बता देंगे, वो ऐसी गलती ना करे कोई, ये पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर की बात है, ये हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, और ये ट्रेस की बात है। देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरती से ट्रे के ऊपर लगाया है,
ये सिद्धि स्वीट से आया है मुझे चंडीगढ़ से, लेकिन ये 3 डेज जो लिखा हुआ ये गलत है, इसका भी कोई फोटो ना ले, ये 3 डेज वाला जो मैटर लिखा ये गलत है, यहाँ पे 2 अक्टूबर लिखा होना चाहिए था एक्चुअली 3 डेज के हिसाब से, लेकिन ये जो इन्होंने प्लेक कार्ड बनाया है, इन्होंने अपनी ट्रे के ऊपर उसको लगा दिया है, ये तरीका अच्छा है, लेकिन ये जो हैंड रिटन भी ठीक है, हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन डेट ही लिखें, डेज ना लिखें, डेट ही लिखें, डेज ना लिखें। और ऐसी भी सूचना है कि आने वाले दिनों में यानी कि कल से ही काफी इंस्पेक्टर तैयार बैठे हैं अपने महीने बढ़वाने के लिए, अपनी आप लोगों का नाम गलत तरीके से रोशन करने के लिए, तो कोई भी ऐसी गलती ना करे। कितने भी लोग मुझे भेजिए, मैसेज भेजिए, कुछ भी करिए, एक बार अपने टैग को दिखा दीजिए मुझे, जैन साहब को या बैजू भाई को या कमलेश भाई को या प्रदीप जैन जी को, इनको दिखा दीजिए आप जो जिस भी स्टेट में है, जैसे वेस्ट बंगाल में सतीश चंद मोहरा जी है, हमारे दीमांदा है, इन लोगों को दिखा लीजिए, पंजाब में एनपी सिंह साहब है, ये बड़े समझदार लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे और बहुत सुलझे हुए लोग हैं, वो आपको अच्छी राय देंगे। आप इस तरह की चीज को या तो अपने आप जस्टिफाई कर लीजिए कि आप मैंने जो बताया वो कर रहे हैं, कोई भी नई चीज करें तो ना करें, और अगर करने का बहुत मन कर रहा है तो फिर भी हमें दिखा लीजिए कि भाई ये तरीका सही है कि नहीं है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, अभी काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और काफी, अभी इनका सवाल आया कंवरलाल डागा जी का, अगर कोई होलसेलर होलसेल मैन्युफैक्चरर से मिठाई लेता है, होलसेल सप्लायर दोनों डेट डाल के सप्लाई करता है, ऐसे में भी रिटेलर को सिर्फ बेस्ट बिफोर डेट ही लिखना चाहिए या दोनों डेट? नहीं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डेट की तो बात ही नहीं हो रही है, बेस्ट बिफोर डेट, जो होलसेलर सप्लाई ने आपको बेस्ट बिफोर डेट दी है, मान लीजिए 15 दिन की उसने डेट दी है, तो वही 15 दिन में से आप वो 2-3 दिन ट्रांजेक्शन के काट दीजिए और 12 दिन लिख दीजिए उसकी, तो आप लोग प्लीज डेट ही लिखें, आप लोग डेट बेस्ट बिफोर की लिखें, मैन्युफैक्चरिंग की ना लिखें, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। और इसको वॉलंटरीली बनाया गया है मैन्युफैक्चरिंग डेट को, लेकिन इससे कंफ्यूजन बढ़ेंगे, कृपया इसको ना करें, सिर्फ बेस्ट बिफोर डेट ही लिखें, ओनली पुट बेस्ट बिफोर डेट, डोंट प्लीज डोंट पुट मैन्युफैक्चरिंग डेट इवन वॉलंटरीली, एंड ओनली डोंट पुट डेज ऑल्सो, 4 days, 5 days फॉर द टाइम बींग। आई एम ऑल्सो ऑफ द सेम व्यू, जैन साहब इज ऑल्सो ऑफ द सेम व्यू दैट वी कैन वी शुड पुट वी रिक्वेस्टेड द अथॉरिटी टू अलाउ अस टू पुट डेज, हमने रिक्वेस्ट किया था कि डेज डालने की परमिशन दी जाए, जिसकी अभी तक हमें कोई भी जिसके ऊपर अभी तक हमें कोई भी छूट नहीं मिली है, तो कृपया डेट ही डालें। कुणाल जैन जी लिख रहे हैं बेस्ट बिफोर 5, 10, 20, प्लीज कीप एट 8 degrees Celsius एंड डू नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्चर। ये बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है कुणाल जैन जी ने, कि आप अपने जो प्लेकार्ड लगाएंगे उसपे या जो भी आप अपना जो वहां पे स्टिकर लगाएंगे वहां पे आप लिख सकते हैं, आपको लिखना ही भी चाहिए, जैसे कि कुणाल जी ने कहा प्लीज कीप एट 8 degrees Celsius एंड डू नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्ट एयर, या फिर आप ये लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं जैन साहब से भी इसकी राय लूंगा, लेकिन इसको लिखने से क्या होगा कि आपको एक तरीके से आप कंज्यूमर को बता रहे हैं कि देखो भैया आप इसको सही कंडीशन में रखोगे तभी ये मिठाई 4 दिन तक चलेगी, तभी ये मिठाई 5 दिन तक चलेगी, अगर आप इसको धूप में रख देंगे ले जाके, खिड़की पे रख देंगे ले जाके, किचन के स्लैब पे रख देंगे ले जाके, जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री होता है किचन के अंदर कभी कभी, वहां पे ये मिठाई 5 दिन नहीं चलेगी, तो आप पैकिंग पे भी प्रिंट करा सकते चीज को, या लिख दें कि एट द बेस्ट फॉर 5 डेज बेस्ट फॉर दिस डे एंड एट एम्बिएंट टेम्परेचर और इन फ्रिज और एट एम्बिएंट टेम्परेचर, या जैसे कुणाल जैन जी बोल रहे हैं कि आप उस पर लिख दें प्लीज कीप एट 8 degrees Celsius एंड डू नॉट एक्सपोज टू द डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्ट एयर, ये भी एक नीचे आप स्टार लगा के नीचे एक ये लाइन डाल दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैकेजिंग मटेरियल में भी प्रिंट हो सकता है, या इसको प्रिंट करा लें ऑब्वियसली, प्लीज कीप एट 8 degrees Celsius एंड डू नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्ट एयर। जैन साहब ये बहुत अच्छी पॉइंट कुणाल जी ने बोला है, आपका क्या मानना है इस पॉइंट के ऊपर? नहीं, अब हमारे जो इंस्ट्रक्शन हमने पहले लिखी हुई, पहले प्रिंट कराई है पैकेजिंग मटेरियल्स के ऊपर, अब वो उसमें थोड़ा चेंज करना, हमें अपनी सेफ्टी के लिए चेंज करना पड़ेगा कि हम बेस्ट बिफोर तो डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन उसका उसको रखना किस कंडीशन में है ये अब हमें
डिब्बे के मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल पर बताना पड़ेगा जी। हर वही बात है, हर ट्रे पे बताना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम कॉमन एक वो स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे कि बंगाली मिठाई का ये टेम्परेचर है, घी की मिठाई का ये टेम्परेचर है, तो ये सारी पैकेजिंग मटेरियल की जो लैंग्वेज है वो बदलनी पड़ेगी जी। जैन साहब ये भी बताइए कि अभी क्योंकि इसके बाद काफी ऐसे चैलेंजेस लोग करेंगे, काफी इंस्पेक्टर्स आएंगे, कई बार हमें फोन भी आएंगे कि कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, अब जैसे हमारे मेंबर्स को ही समझने में दिक्कत हो रही है चीजों को, या अभी तक वो पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, इस तरह से कई इंस्पेक्टर्स भी होंगे जो कुछ और भ्रांतियां लेके अपने दिमाग में घूम रहे होंगे और सोच रहे होंगे किस तरीके से सामने वाले को फंसाया जाए या किस तरीके से जो है वो उनका आना जो है वो सार्थक किया जाए, वो तो आए हैं तो कुछ ना कुछ उनको पकड़ना ही है, वो वाली मेंटेलिटी से भी आएंगे। तो FSNM इसमें क्या करेगा, क्या FSNM कुछ ऐसी हेल्प करेगा अपने मेंबर्स के लिए जहाँ पे उनकी फोन कॉल्स को हम रिसीव करके उनको हम कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें, या कुछ ऐसे एक्सपर्ट हमारे पास हो जो उनको रिप्लाई करें? जैन साहब क्या तैयारी है FSNM की? हम एक हेल्पलाइन नंबर तो अभी कुछ ही दिन में हम दे रहे हैं, दिल्ली ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं जिसमें आप किसी भी समय, मैं समझता हूँ कम से कम 16 घंटे की सर्विस उसमें रहेगी डेली की, तो वो हम कुछ ही दिनों में हम नंबर दे देंगे आपको FSNM के, उस हेल्पलाइन से आप मालूम कर सकते हो फूड रिलेटेड। ओके। और दूसरा आपका क्या सवाल था दूसरा? यही के बार बार लोगों के सवाल आएंगे या आएंगे तो हम उनको किस तरीके से मदद कर पाएंगे, आपने जवाब दिया उसका बिल्कुल। हाँ, दूसरा अभी डिपार्टमेंट के आपने बिल्कुल सही कहा कि डिपार्टमेंट में उनको सही बहुत बार होता है, इंस्पेक्टर को भी नहीं मालूम होता है कि सही ऑर्डर क्या है, तो वो एक मैं समझता हूँ कि हम हमारे जो मेंबर्स हैं इनके पास ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए कि ऑर्डर में, और अगर उसमें भी कोई बात है तो और सिंप्लीफाई करा के हम उस ऑर्डर की कॉपी ले सकते हैं उनसे, और एक एक दो दिन में हम दे भी सकते हैं सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा काम होगा ये कि अगर एक हॉटलाइन नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर हम जल्दी से जल्दी अपने मेंबर्स को के लिए रिलीज कर दें आने वाले दिनों में। पूरी कोशिश करूंगा कि इसको हम कर पाए, और एक 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 ऐसे एक्सपर्ट, रेगुलेटरी एक्सपर्ट को हम वहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि हम उनको वहाँ बैठाएंगे उस नंबर के ऊपर, और लोग जितने भी मेंबर्स हैं खाली अपना मेंबरशिप नंबर बता के वहाँ पे वो उनकी हेल्प ले सकते हैं और उनको कर सकते हैं। मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सारे ही मेंबर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि न सिर्फ इसका फायदा आप लें, बट आपके जिले में, आपके नजदीक में, आपके रिलेटिव्स में जितने भी मिठाई वाले हैं आप उनको बताएं, इस नंबर को उनको भी शेयर करें और उनसे बोलें कि ज्यादा से ज्यादा लोग FSNM से जुड़ें और अपने बेनिफिट्स को लें। ना सिर्फ आप, हम एक परिवार बनते हैं, हम हमें हमारे अंदर ताकत आती है इस तरह की चीजों से लड़ने के लिए। अभी बहुत से मुकाम है, बहुत से मेंबर ये पूछ रहे हैं कि हम कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं कर रहे, या हम स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे, या हम लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं इसकी एकदम। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये एक दिन का नहीं है सौदा, FSSAI के साथ हमें बहुत चीजों पे कोऑर्डिनेट करना है। अभी हाई स्वीट, हाई शुगर, फैट और जो सोडियम का जो इशू है HFSS, न्यूट्रिशन, जी बिल्कुल, वो भी एकदम फन निकाले खड़ा है। कम से कम 10 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम डायरेक्ट FSAI से बात कर रहे हैं, जिसका रिप्लाई भी हमें आया है, उसमें से 2-3 चीजों पे उन्होंने हमारी राय को माना है, और कम से कम 6-7 ऐसी चीजें हैं जिसमें उन्होंने हमारी राय को माना है, लेकिन अभी उसका क्लियर कट जवाब नहीं दिया है, या एक दो का जवाब दिया है और उसको रिजेक्ट कर दिया है। जैसे कि टेस्टिंग होती है हमारे फैक्ट्रीज की, प्रोडक्ट्स की, टैक्स उसके ऊपर, और कई मुद्दे हैं, और जैसे कि मैंने बताया HFSS का ही मुद्दा है, या और बहुत से इस तरह के इश्यूज हैं, उसको हमें डील करते रहना है। हमें सरकार के साथ कोऑपरेट करना है, हमें सरकार के साथ मिलकर चलना है, हमें अपनी हमारी अपनी बातों को मनवाना है और प्यार से और अच्छे से कोऑर्डिनेट करके, ताकि हम उनके साथ, वो हमारे लिए बेनिफिट के लिए काम करते रहें, और ना सिर्फ कंज्यूमर की सोचें बट हमारी भी सोचें और हमारे हमारे हितों को भी देखें। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। जैन साहब आप क्या बोलते हैं इसके ऊपर? देखिए, जहाँ तक आपके पास जो मैसेज आ रहे हैं कि हम कोर्ट में क्यों नहीं गए, कोर्ट के लिए हमने कई लॉयर से, बीजू भाई ने भी मीटिंग की है, मैंने भी की है, तो हमारे पास कोई ऐसा ग्राउंड हम नहीं ढूंढ पाए कि जिसकी, वो उन्होंने यही पूछा कि कोर्ट ये पूछेगी आपको इसमें
परेशानी क्या है। तो कोई टेक्निकल पॉइंट हमने जो बताए वो उन्होंने मतलब उसे वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे कि कहेंगे ये पॉइंट नहीं चल पाएंगे। तो टाइम भी अभी कम रह गया था, तो 10 दिन का समय था, 10 दिन में हमने ये सारे पॉइंट इकट्ठे करके फिर आप ग्रुप पे भी डाला कि जो और पॉइंट्स हो सब बताएं, सब लोगों ने बताए भी। तो उन पॉइंट्स पे हम कहीं ठहरते नहीं है ज्यादा टाइम, कहेंगे ये जल्दी हम बाहर हो जाएंगे इसमें, तो अभी हम रुके हुए हैं। ओके जैन साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है। हमारे एक मान्य सदस्य हैं रवि दावड़ा जी, बड़े गुजरात से आते हैं और बहुत अच्छे, बड़ी इज्जत है उनकी इस भावनगर और इस एरिया के अंदर, बड़ा अच्छा नाम है खावड़ा स्वीट्स का। उनका ये पूछना है कि क्या ये नियम काउंटर की मिठाइयों के लिए है या ये हमारी पीछे की जो रखी स्टोर मिठाइयों पे भी लागू होगा? ये डिस्प्ले का ऑर्डर है जी, डिस्प्ले, इसमें ना आप डिस्प्ले वर्ड यूज किया डिपार्टमेंट ने, तो वो डिस्प्ले के ऊपर है ये अभी, तो अभी तो हम डिस्प्ले को लेके ही चल रहे हैं। हमारा उनसे यही बात थी कि हमारे पास जो स्टॉक है उसका हम क्या करेंगे, तो लिखना तो स्टॉक पे भी पड़ेगा ये। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे स्टॉक पीछे होते हैं, मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी बार कोडिंग और इस सब चीजों को यूज करते हैं जो कि इसमें अल्टीमेटली काम आएगी। आप लोग को पता ही, खुद ही इंटरनली पता होना चाहिए कि कब मिठाई हमारी आई है और कब तक के लिए रखी गई है। तो आप अगर पीछे भी उसको नहीं कर रहे हैं तो उसको करना शुरू कीजिए। लेकिन ये वाला नियम जो है वो काउंटर सेल के लिए है, जो मिठाई के काउंटर्स हैं, जो हमारे डिस्प्ले काउंटर्स हैं, उनमें इसको लगाया जाएगा, ना कि पीछे के लिए कोई गाइडलाइन है। पीछे आप अपने तरीके से अपनी इन्वेंट्रीज को रखने के लिए, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो नियम आप फॉलो करते हैं वो आप फॉलो करते रहे। और फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपके दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर अगर जो भी स्टॉक है उस पे बेस्ट बिफोर होना चाहिए, चाहे वो आगे रखा है चाहे पीछे रखा है, सेफ्टी के लिए मैं फिर भी ये कहूंगा सभी से। ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छी राय है, बहुत बढ़िया, बहुत मुनासिब राय है कि पीछे भी आप उसको मेंटेन कर, आपको करना चाहिए, वो आपका ही फायदा है बेसिकली। जब आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, एक आदमी लगा दिया है सबको करने के लिए, तो उसका पूरा फायदा उठाइए और वो आपके अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए हो चाहे वो भी, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल और कई मेंबर हमारे करते हैं और अभी भी मतलब मुझसे कई लोगों ने फोन करके भी बोला है कि सरकार ने ये कहा है कि साहब उनके पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं मिठाई वालों की, और बड़ी मतलब बड़ी एकदम मिठाई वालों ने जो है एकदम उनको अंधकार मचा रखा है और एकदम अंधेर नगरी हो गई है। तो क्या ये ऐसा है, क्या कुछ आप बता सकते हैं कि वाकई में क्या मिठाई वाले ऐसा है, मिठाई वालों के खिलाफ उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं आई हुई ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने मीडिया की रिपोर्टिंग पे और मीडिया को देख के ये नियम लाए हैं, कोई कंप्लेंट तो हमारे पास नहीं है, जबकि ऐसा पहले कहा गया था कि कंप्लेंट्स आती हैं, फिर बाद में जब आरटीआई डाली तो उन्होंने ये कहा कि मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, कंज्यूमर के हित में कर रहे हैं, बाकी कोई भी कंप्लेंट मिठाई वालों के खिलाफ नहीं है। ये जितनी भी जो मीडिया को भी ये बता रहे हैं, इन्होंने मीडिया में भी जो वीडियोस चलते हैं कि साहब खोआ पकड़ा गया, मावा पकड़ा गया, पहली बात तो खोआ मावा हम लोग बनाते नहीं है, हम लोग खरीदते हैं और टेस्ट करके खरीदते हैं, ठीक है। और आगे के लिए जैन साहब को भी एक इस बात पे बधाई देता चलूं कि इन्होंने खोआ मावा के क्वालिटी को लेके अथॉरिटी में चर्चा की थी, जिसके ऊपर अथॉरिटी ने एक बड़ा मुनासिब जवाब दिया है कि वो सभी खोआ मावा मंडियों में जो है वो एक टेस्टिंग वैन लगाएंगे जहां पे के टेस्टिंग होगी उस क्वालिटी को, उसी क्वालिटी चेक करने के लिए। तो इस चीज को मान लिया गया है सरकार की तरफ से, ये सब हम लोग बाद में इन चीजों को रखेंगे, इस पर्टिकुलर पीरियड को निकल जाने दीजिए, और ये चीज भी मान ली गई है। लेकिन इसका श्रेय पूरा जो है वो ब्रेन जैन जी को और श्याम सुंदर जी को जाता है, जिन्होंने इस मैटर को बड़ा मेहनत से इसको रखा और अथॉरिटी ने उसको माना है। तो मैं फिर एक कोई सवाल देखता हूँ, अगर किसी का अभी आया है। सबको बहुत धन्यवाद कह रहे हैं अनिल बजाज जी, आप लोग को हम लोग को कह रहे हैं ग्रेट एफर्ट,
फिरोज जी, रवि दावड़ा जी भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। शैलेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं, इज इट एप्लीकेबल ओनली फॉर काउंटर स्वीट्स? यस, हमने इनका जवाब दे दिया। बैकएंड स्टॉक पे भी आप मेंटेन करें, लेकिन ये काउंटर सेल के लिए है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये काउंटर सेल के लिए नियम है, ये नियम जो है वो पीछे के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी जैन साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि आप इसको मेंटेन करें तो अच्छा होगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को वो सैंपल दिखा दूं, जो लोग बाद में ज्वाइन करे हैं, क्योंकि ये लाइव जा रहा है, लाइव में कई चीजें, कई लिमिटेशंस होती हैं और कई फायदे होते हैं कि हम उसको दिखा सकते हैं वहीं के वहीं। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूं कि किस तरीके का हमें डिस्प्ले करना है। एक सैंपल मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूं, और मेरे ख्याल से इसके बाद हम फेसबुक लाइव को खत्म कर देंगे, यहाँ पे एंड कर देंगे। मैं फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। एक बहुत अच्छा सैंपल हमारे दोस्त इंद्रनील चितले ने भेजा है, चितले बंधु मिठाई वाले पुणे से। बड़ा सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लगाया है। मेरा सभी मिठाई वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मेट को फॉलो करें। मैन्युफैक्चरिंग डेट की डालने की जरूरत नहीं है, डेज बिल्कुल ना लिखे। फिलहाल हमारी कोशिश जारी है उसके ऊपर, एक्सटेंशन हमको मिला नहीं है। तो कल से आपको अपनी दुकान पे हर ट्रे पे ये लिखना अनिवार्य है। अब आप इसको चाहे हाथ से लिखें, आप इसको चाहे छापा बनवा लें इसका, या आप इसको डिजिटल, कुछ गैजेट्स मार्केट में मैंने देखा है कि आ गए हैं और बहुत बड़े तरीके से आएंगे अब, या आप उसको किसी और माध्यम से उस पर डालें। लेकिन आपको ट्रे के ऊपर ये मेंशन करना, हर मिठाई की ट्रे के लिए अलग अलग मेंशन करना जरूरी है। अगर वो एक ट्रे पे दूसरी ट्रे रखी हुई है और दोनों में एक ही प्रोडक्ट है, तो शायद मेरे हिसाब से आप एक ही प्ले कार्ड लगा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के लिए मान्य है और दोनों में एक ही सा प्रोडक्ट रखा हुआ है। लेकिन बाकी इसके अलावा कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स ना करें, बैच बिफोर डेट के और इसके उसके वो आप ना करें। कई मेंबर्स हमारे नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमारा एक तरीके से हमारा नेचर भी है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़े ढूंढते ही रहते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कृपया इस तरह की चीज ना करें, उससे अपने अपना नुकसान होगा। एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें, एक ही तरह से चीजों को फॉलो करें, ताकि इंडस्ट्री का फायदा हो, उससे कोई नुकसान ना हो। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, और बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि आप लोग प्लीज बेस्ट बिफोर डेट डालें, मैन्युफैक्चरिंग डेट ना डालें, और आप किसी तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से हमारी मिठाई इंडस्ट्री अब तक मॉडर्नाइज करती रही है, बेस्ट शोरूम्स, बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट एम्बियंस, बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स हम लोग खिलाते चले आ रहे हैं अपने कंज्यूमर को, ऐसे ही हम आगे मेंटेन करें। और ये आने वाली दिवाली हमारी जो है वो सारे जितने हमारे लॉसेस हुए हैं उनको मिनिमाइज कर सके। तो इसके साथ ही मैं जैन साहब से कहूंगा कि एक दो शब्द आप थैंक्स के बोल दें सबको, तो फिर उसके बाद मैं इस फेसबुक लाइव को डिसकंटिन्यू कर दूंगा। इसमें मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी ने, हर स्टेट ने पूरा इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। जितनी एकजुटता दिखाई है उसी के हमारे को रिजल्ट मिले हैं कि सभी जगह से FSSI को मेल्स भी गई हैं, मिनिस्टर्स को गई, जिन्होंने जिनकी जहां अप्रोच थी उन्होंने वो भी काम आई होगी जरूर, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सभी चीज़ें मिलकर के ही जो हमें अचीवमेंट मिली और आगे भी मिलती रहेंगी, क्योंकि नियम सरकार की तरफ से आते रहते हैं, कभी कुछ आता है कभी कोई नियम आएगा, तो उसको देखना पड़ेगा, उन सब चीजों को ठीक कराना, अपने मुताबिक कराना, यही एक बात है जी। तो मैं तो सभी को बधाई का पात्र मानता हूँ कि सभी ने मिलकर के मेहनत की है, ज्वाइंट एफर्ट्स था ये, और पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे राज्यों से प्रतिनिधि हैं, जितने हमारे साथी हैं, सबने मेहनत की है इसमें। तो अभी आने वाला समय भी है, लेकिन ये चैलेंजेस आते रहेंगे, अपने हमें तो अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, आगे की तरफ बढ़ना है, ये इसी के साथ मैं सबको बधाई देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस एफर्ट के लिए भी जो आपने इतना समय दिया आके, पूरा दिन आज, बल्कि पूरा दिन कहा, पिछले एक हफ्ते में शायद अगर हमारे आपके बैजू भाई के फोन चेक करें जाएंगे तो हमने सैकड़ों कॉल एक दूसरे को किए हैं, और लगातार आप 24/7 इस पे काम करते रहे,
मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने इसके अंदर एफर्ट डाले हैं, हमारे एनपी सिंह साहब, बैजू भाई मेहता, कमलेश भाई कंदोई, श्याम सुंदर जी, हमारे दिल्ली से भी हरीश जी, नागपाल जी, हमारे बॉम्बे से प्रदीप जैन जी और संजय चितले जी, और जितने भी हमारे धीमानदा और सतीश जी, अमिताभ जी, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है, बहुत कोशिश की है इसको अपने हक में कराने की। मधुसूदन जी ने डॉक्टर ए के त्यागी ने, सबने बहुत एफर्ट डाले हैं अपने, और 75% तो हमने अचीव कर लिया दोस्तों। अब सरकार है 100% तो फार्मर्स को भी नहीं दे रही, तो हमें तो इतना कर दिया, तो मुझे लगता है कि हमें उनको थैंक्स करना चाहिए। लेकिन ये कि कोशिश जारी रहेगी, कोई हमारे पास से अभी कोई बॉल नहीं निकली है, बस इतना ही, कल से आप लोगों को इस बेस्ट बिफोर के नियम को मानना है, बेस्ट बिफोर डेट, नॉट डेज, नो मैन्युफैक्चरिंग। मैं बार बार इसको बोलता रहूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरे को सुनते सुनते। तो अब आज आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से सलाम नमस्ते, और हम लोग फिर मिलेंगे किसी ना किसी और चर्चा को लेके, लेकिन अच्छी खुशियों में मिले, टेंशन वाली चीजों में ना मिले, थक गए हम लोग तो आज आज तो हम आपके लिए कल 2-4 घंटे का छुट्टी जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Okay.